दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा। तो दोस्तों अभी बिहार में तमाम शिक्षकों के बीच में एक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वैकेंसी को लेकर होड़ लगी हुई है। और क्यों ना होड़ हो, ये काफ़ी दिनों के बाद बीपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी आई है। इसके लिए सभी शिक्षकों को पूर्ण रूपेण ज्ञात होगा इसके सिलेबस के बारे में, जैसे कि 75 मार्क्स का डीएलएड सेक्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि वहीं 75 मार्क्स का जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास आप तमाम शिक्षक बंधुओं के लिए। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जीएस को कंप्लीट करते हैं जो 75 मार्क्स का है, और उसमें ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक कल्पना करेंगे एक तरबूजे का। एक तरबूजे की कल्पना करेंगे कि जैसे हम लोग एक तरबूजा खरीदने जाते हैं तो पका है कि नहीं, मीठा है कि नहीं, उसको सैम्पलिंग करते हैं, यानी उसका सैंपल से देखते हैं। यानी एक तरबूजा ऐसे हुआ होता है, उसको इस तरह से सैंपल करके इसे निकाल के देता है दुकानदार, और हम लोग देखते हैं कि मीठा है या फिर पका हुआ है। ठीक वैसे ही बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये सोचे कि इतनी बड़ी पृथ्वी है तो इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ होने चाहिए, तो उसको सैंपलिंग करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए। लेकिन सबसे पहले एडवर्ड स्वेस नामक व्यक्ति ने इस पृथ्वी के एक चाप को, ठीक है, एक चाप लगाया पृथ्वी का, और इस डायरेक्शन में, इस गोल पृथ्वी से इस डायरेक्शन में एक चाप निकाला, और चाप निकाल कर उन्होंने बताया क्या, सो आइए देखते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो पृथ्वी है ये तीन भागों में बटी हुई है, इसके अंदर तीन भाग हैं, यानी दो लकीरें हैं, एक और एक, दो लकीरें हैं जिससे कि तीन भाग हो गए। और उन्होंने बताया कि इस फर्स्ट वाले भाग को क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको भूपर्पटी बोला जाता है, सेकंड वाले भाग को मेंटल बोलते हैं, और थर्ड वाले भाग को कोर बोला जाता है। उन्होंने ये बताया। उन्होंने दूसरी चीज़ें बताई कि इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भागों में किस किस चीज़ों की प्रधानता या बहुलता होती है, सो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेट जो सेट है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बहुलता होती है, इसलिए इसको कहा गया सियाल। देखिए SIAL, सियाल, SI से सिलिकॉन और AL से एल्यूमिनियम। फिर नीचे सीमा, सेकेंड वाले में सीमा, SI से सिलिकॉन और MA से मैग्नीशियम, यानी इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। जबकि थर्ड वाला में नीफे कहा जाता है, नीफे, NI से निकेल और FE से फेरस, फेरस जो कि लैटिन नेम है लोहा का, यानी कि कोर जो होता है पृथ्वी का उसमें लोहे की प्रधानता होती है और निकेल की होती है, इसलिए इसको कहा जाता है। याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे सियाल, सीमा, नीफे, यानी SIAL, SIMA, NIF, लोग सियाल, सीमा और नीफे को याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने, ये स्वेस महोदय ने इतना सारे चीज़ों को बताया। धीरे धीरे अन्य सारे वैज्ञानिक भी आए और इसमें और भी चीज़ों को जो हम लोग अनभिज्ञ थे उससे हम लोगों को ज्ञात कराएं। चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये जो दो लकीरें हैं जो कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है या फिर मेंटल और कोर को अलग करता है, इसको एक अलग वैज्ञानिक आए मोहो साहब, और मोहो ने इस लाइन को खोज किया और बोला कि ये है मोहो डिसकंटिन्यूटी। इन्होंने मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से बताया कि ये मोहो असंबद्धता रेखा है जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीचों बीच ये रेखा है। तो मोहो साहब जबकि इसका खोज किए थे, इसलिए अपने ही नाम पर उन्होंने इस चीज का नाम रख दिया, इस लाइन का नाम रख दिया मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, या हम इसको सिंपली तरीके में सिर्फ मोहो लाइन से याद रखेंगे, मोहो लाइन। और सेकेंड एक वैज्ञानिक आया जो कि मेंटल और क्रस्ट के बीच का, मेंटल और कोर के बीच का जो लाइनिंग है उसको गुटेनबर्ग नामक एक वैज्ञानिक ने आया,
और उन्होंने खोजा कि ये लाइन है जो गुटेनबर्ग ने खोजा और अपने ही नाम पे रख लिया, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो हम लोग सिर्फ याद रखेंगे कि मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब देखिए याद कैसे रहेगा, याद रखने के लिए एक ट्रिक का हम लोग यूज करेंगे जिसको नाम है मग। मग मग समझते हैं ना आप लोग, जिसे म से मोहो और ग से गुटेनबर्ग। याद रहेगा मोहो म से मोहो और ग से गुटेनबर्ग, यानी कि मोहो लाइन कहाँ है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लाइन है वो मोहो लाइन है, और मेंटल और कोर के बीच में जो लाइन है वो गुटेनबर्ग लाइन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मग मोहो लाइन और ग से गुटेनबर्ग लाइन, ये दोनों चीज, ये क्रस्ट है ये मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहो और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग। क्लियर। अब देखते हैं कि नहीं इसमें भी, अब ये दोनों जो ये जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट में भी एक अपर क्रस्ट हुआ एक लोअर क्रस्ट हुआ, मेंटल में एक अपर मेंटल हुआ एक लोअर मेंटल हुआ, फिर कोर में एक अपर कोर हुआ एक लोअर कोर हुआ। इस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको खोजा, फिर उन्होंने अपने नाम पर इसका नामकरण भी किए। अब जैसे क्रस्ट को अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में बांटा जाए तो बीच में एक काल्पनिक रेखा आएगी, ठीक है, और इस रेखा को खोजने वाले वैज्ञानिक थे कोनराड, कोनराड महोदय, और उन्होंने अपने ही नाम पर कोनराड डिसकंटिन्यूटी लाइन रखा, यानी कोनराड लाइन। फिर ये जो मेंटल के बीचों बीच जो अपर और लोअर मेंटल को अलग करता है उसको रेपेटी साहब खोजे, तो उन्होंने अपने नाम पर रेपेटी लाइन रखा, और फिर कोर में जो अपर और लोअर कोर को अलग करता है उसको लेहमैन साहब ने खोजा और अपने नाम पर लेहमैन लाइन रखा। अब देखिए कोनराड रेपेटी और लेहमैन को कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे एक ट्रिक है करले, देखिएगा करले, क से कोनराड, र से रेपेटी और ले से लेहमैन, करले। करले समझते हैं ना, जिसे पढ़ ले खा ले दौड़ ले खेल ले वैसे ही करले। तो ये करले साहब के द्वारा ये तीनों लाइन खोजा गया, जैसे कोनराड रेपेटी साहब और लेहमैन। इस तरह से हम लोग ये काल्पनिक रेखाएं जो है इसके भी वैज्ञानिक का नाम और इस लाइन का नाम भी हम लोग याद रखेंगे, चूंकि लाइन और वैज्ञानिक का नाम सेम है, चूंकि वैज्ञानिक ही अपने नाम पे इस लाइन का नाम रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये तीन लाइन और मोहो और गुटेनबर्ग, हम लोग ये पांचों वैज्ञानिक को यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सियाल सीमा नीफे भी हम लोग समझ गए, सियाल सीमा नीफे क्या है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, कोनराड रेपेटी और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी हम लोग देख लिए हैं। देखिए चीजों को ऐसे इस तरीके से हम लोग इसमें जानेंगे, इस तरीके से चीजों को जानने का प्रयत्न करेंगे कि एक छोटी सी छोटी चीज भी से भी हम लोग चूक ना सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्मार्ट तरीके से बहुत ही कम समय में स्मार्ट तरीकों से इस सारी चीजों को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, खुद ब खुद सब क्लियर होते जाएगा। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं कि ये जो क्रस्ट मेंटल और कोर है इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई देखते हैं। तो देखिए मोटाई जो क्रस्ट की होती है 34 किलोमीटर से लेकर और 100 किलोमीटर के बीच होती है। मेंटल की मोटाई देखें तो 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर कोर की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6370 किलोमीटर मोटा होता है। तो 6370 को हम लोग अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर मान सकते हैं, वैसे भी नोमेरिकल बनाने के लिए ज़्यादातर 6400 किलोमीटर का ही यूज किया जाता है। तो सोचिए कि ये एक पूरे ब्रीथ का ये सेंटर हुआ, और सेंटर से और एक किनारे पे खींची गई रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो बताइए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की अगर मोटाई यानी डिस्टेंस हो गई 6400 किलोमीटर, तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। एक्यूरेट वैल्यू 6370, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको हम लोग 6400 किलोमीटर कह सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर गहराई में ज्यों ज्यों हम जाते हैं तो तीन चीजों की बढ़ोतरी होती है, और कौन कौन सी ये तीन चीज हैं, पहला घनत्व, दाब और तापमान। यानी कि घनत्व और दाब दोनों बढ़ते हैं, साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर निम्न में से कौन सी चीजें
बढ़ती हैं, पहला घनत्व, दूसरा दाब, तीसरा तापमान, चौथा सभी। तो सभी ऑप्शन पे आप लोग टिक मारिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये जो क्रस्ट है भूपटपटी उसका घनत्व कितना होता है। तो इसका घनत्व होता है 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व का मापक ही होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं, तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। जबकि मेंटल का घनत्व 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और कोर का 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब तीनों का घनत्व हमें प्राप्त हो गया तो बताइए हम लोग पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व निकाल सकते हैं कि नहीं। एवरेज निकालने के लिए मैथमेटिक्स का, इसमें भी सिलेबस में भी मैथ्स है, तो एवरेज निकालने के क्या करेंगे, तीनों का घनत्व बाई तीन यानी तीन से भाग देंगे, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि पृथ्वी की औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि ये जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो क्या इसका कोई एक नियमित पैमाना है, क्या ये एक फिक्स स्केल के हिसाब से बढ़ता है कि कहीं कितना भी बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं, 32 मीटर की गहराई पर जाने पे, 32 मीटर गहराई पे जाने पे, देखिए ये तीर, ये जो एरो नीचे की तरफ है यानी गहराई में आ रहा है, तो 32 मीटर गहराई पे आने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ दिखाया गया है यानी इंक्रीज कर रहा है, यानी 32 मीटर हम गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप में बढ़ोतरी हो जाएगी। वैसे ही ये धीरे धीरे और अंदर जाने पर ये ताप के पैमाने में थोड़ा कमी आती है, जैसे कभी 32 मीटर से अंदर जाने पर 1 डिग्री होता है, फिर आगे जाइएगा तो 40 मीटर के गहराई पर 1 डिग्री होगा, फिर कभी कभी 50-55 पे ही हो सकता है। तो इस तरह से 100 पर अगर देखा जाए तो 100 मीटर की गहराई पर जाने पर 3 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी होती है, ठीक है। जबकि याद रखिएगा यहाँ पे कि सतह का यानी क्रस्ट का जो ऊपरी परत है भूपटपटी, उस सतह का टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ जो ये 15 डिग्री सेल्सियस सतह का टेम्परेचर होता है, तो देखिए यहीं से हम कह सकते हैं कि जैसे गर्मी के दिनों में हमें चापाकल से ठंडा पानी निकलता है, जबकि ठंडी के दिनों में वही पानी गर्म होकर निकलता है। इसका रीजन यहीं पे यही समझ में आ जाएगा कि जब सतह का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी के दिनों में सामान्य टेम्परेचर हो जाता है लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, तो जब 30 से 40 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस कंडीशन में जब 15 डिग्री सेल्सियस से पानी निकलेगा तो ये ठंडा होगा कि नहीं। तो इसलिए हमें यह अनुभूति होती है कि गर्मी के दिनों में हैंडपम्प का पानी ठंडा आता है, जबकि ठीक इसके अपोजिट जब जाड़े के दिन में हम लोग आते हैं तो उस समय यहाँ सतह का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एटमोस्फेरिक टेम्परेचर उस समय क्या हो जाती है, 10 से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री, 7 डिग्री, कहीं कहीं 0 डिग्री भी होती है। तो अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग 10 से 5 डिग्री सेल्सियस ही अगर मानते हैं ठंडी के दिनों में, तो देखिए जहाँ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पे अगर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से वाटर निकल रहा है तो उसके अपेक्षा गर्म होगा कि नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्मी के दिनों में ठंडा पानी और ठंडी के दिनों में गर्म पानी की हमें अनुभूति प्राप्त होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुलता होती है, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि मेंटल जो है, सीमा वाला पार्ट जो होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये जो है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और प्लाज्मा अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा अवस्था को हम लोग कह सकते हैं अर्ध तरल अवस्था, अर्ध तरल अवस्था यानी कि न ही वो ठोस हुआ और न ही वो द्रव हुआ, यानी प्लास्टिक जैसा, मतलब मुलायम, सॉफ्ट कहा जा सकता है। 63 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया भी था कि प्लाज्मा, ये जो मेंटल है, मेंटल की प्रकृति कैसी होती है, ऑप्शन में ये प्लास्टिक दिया था, प्लास्टिक जैसी। तो बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक जैसी यानी कि अर्ध तरल होता है, या फिर प्लाज्मा अवस्था हम इसको कह सकते हैं। और इसे निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है, ये जो मेंटल है इस मेंटल को हम लोग निम्न गति का मंडल भी
कहते हैं। और याद रखिएगा इसी मेंटल में क्या होता है, ज्वालामुखी, भूकंप, मैग्मा आदि चीजें उत्पन्न होती है। मेंटल में ही ज्वालामुखी, भूकंप और मैग्मा उत्पन्न होती है। तो याद रखने वाली बात है, मेंटल में क्या होती है, भूकंप, ज्वालामुखी और मैग्मा उत्पन्न होती है। वैसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, भूकंप आता है तो क्या होता है, एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। ज्वालामुखी वैसे ही, यानी वो एकदम समझिए कि जब प्रकृति मेंटल हो जाती है तब ये सब चीजें आती है। इसलिए मेंटल हो जाती है तभी ये सब चीज आएगी। तो यानी कहाँ से आएगी, तो मेंटल से ही आएगी। इस तरह से हम लोग रिलेट करके इसको याद रखेंगे। और बात करें हम कोर की, तो कोर जो है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसे गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, गुरुत्वीय मंडल कहेंगे। गुरुत्वीय मंडल क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फेरस यानी लोहे की मात्रा ज्यादा है और चुंबकत्व, निकेल भी है यहाँ पे है, तो चुंबकत्व की वैल्यू यहाँ से हमको देखने को मिलती है, जिसमें चुंबकीय शक्ति होती है पृथ्वी के अंदर, यही से ये चीज होती है, इसलिए उसको गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं। इसमें आइए देखते हैं, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट में कभी कभी क्वेश्चन ना घुमा के पूछ देता है। तो जब क्वेश्चन घुमाएगा तो कुछ भी करे उससे हमको मतलब नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने अभी डिस्कस किया कि क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुलता होती है। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम क्या है, ये धातुएं हैं। क्या है, धातु है। सिलिकॉन एक धातु है और एल्युमिनियम भी एक धातु है। लेकिन अगर क्वेश्चन करता है कि क्रस्ट में कौन सी तत्व की बहुलता होती है, यहाँ तत्व की बात कही गई है न कि धातु की। धातु की बात की जाती तो हम सिलिकॉन या एल्युमिनियम कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन ज्यादा होता है। लेकिन जब तत्व की बात कही गई है तो क्रस्ट में ऑक्सीजन तत्व की बहुलता होती है। ऑक्सीजन तत्व की बहुलता होती है और वो कितना होती है, 46.8%। 46.8%। अब यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। हम लोग सिर्फ दिमाग में ये चीज बैठा हुआ है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78%, यानी सबसे अधिक। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21%, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। तो हमारे दिमाग में यहाँ ये चीज बैठा हुआ है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, जबकि यहाँ पूछ रहा है कि क्रस्ट में, न कि एटमोसफेयर में। एटमोसफेयर कहता तब हम नाइट्रोजन करते, लेकिन क्रस्ट कह रहा है यानी भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन सी तत्व होती है, तो ऑक्सीजन होती है, 46.8% होती है। जबकि धातु की बात करें तो धातु सिलिकॉन होती है जो कि 27.7% और एल्युमिनियम 8.13% होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हम लोग समझ गए, उसके कौन कौन से लाइन है। अब इस लाइन में भी बहुत सारे क्वेश्चन घुमा सकता है। जैसे पूछ देगा कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, देखिए लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच से असंबद्धता रेखा यानी डिसकंटिन्यूटी रेखा कौन सी होगी, तो वही हो जाएगी। देखिए मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन है, ये क्रस्ट का निचला हिस्सा और मेंटल का ऊपरी हिस्सा के बीचों बीच है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से घुमा सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। इस तरह से आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग के समझ में आई होगी, और इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन जब करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगी। इस तरह से सभी शिक्षक गण, आप हम लोगों पे ऐसे ही प्यार बनाए रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको देखें और आनंदित होकर पढ़ें, टेंशन में लेके नहीं। चलिए, धन्यवाद।